हमें इंसाफ चाहिए, ना ही हमें कुछ भी चाहिए। इंसाफ और जो भी आरोपी हैं उनको फांसी चाहिए, चाहे योगी जी आए, चाहे मोदी जी आए, चाहे केंद्रीय मंत्री जी आए, कोई भी आए। और यहाँ से हम जब ही जाएंगे जब हमें इंसाफ मिलेगा। प्रधानमंत्री की भतीजी का पर्स चुरता है दिल्ली में, 24 घंटे में ढूंढ लिया जाता है। दो स्टेट सरकार लगती है, दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार। और जब किसी दलित बेटी का रेप होता है तो यहाँ के प्रशासन के लोग मौन बन जाते हैं। लड़की की कमर तोड़ दी, लड़की की जीभ काट दी, इससे बड़ा क्या कृत्य होगा। ये पहली बात तो ये मौत नहीं है, ये हत्या है, जो राजनीतिक तरीके से राजनीतिक संरक्षण में कराई गई है। इस मौत की सीबीआई जांच होनी चाहिए, हम लोग इसकी जांच के लिए लेटर भी लिखेंगे। दूसरा, जितनी लापरवाही इस मामले में बढ़ती है उससे पता लगता है कि न्याय देने के लिए कोई सरकार का मकसद ही नहीं था, कोई भूमिका ही नहीं। पीड़ित परिवार असुरक्षित है, अभी भी वो डरे हुए हैं, तरह तरह के दबाव उन पर फैसले के बनाए जा रहे हैं। और जिस तरह से इलाज में लापरवाही यहाँ बढ़ती गई, हमने एम्स की बात की थी और उसको जो है सफदरजंग लगा, सीधी एम्बुलेंस ही सफदरजंग रुकती है, जो पुलिस सुरक्षा में आई गई थी वो चली गई। तो मुझे लगता है कि ये हत्या कराई गई है, ये राजनीतिक मर्डर है और सत्ता में बैठे लोगों ने कराया अपनी जान बचाने। भाई से आपकी फैमिली के लोगों से बात हुई अभी? कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि उसको इलाज सही तरह से यहाँ नहीं किया गया। हम लोग एम्स जाना चाहते थे लेकिन उनको यहाँ रखा गया, जानबूझकर जो है उनकी हत्या करने का प्रयास किया गया और कर भी वो सफल भी हो गए। हम लोग लड़ेंगे, ठीक है, हम लोग इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और जब तक हमारी बहन को न्याय नहीं मिलेगा, उन अपराधियों को फांसी सजा नहीं होगी, हम चैन से नहीं बैठेंगे। आज आपने अपनी बेटी खो दी, पूरे देश ने अपनी बेटी खो दी, जो उत्तर प्रदेश में उसके साथ हुआ है लगातार, जो कानून व्यवस्था खराब हो रही है, उसके बारे में क्या कहना है, कैसे हुआ और आज जो हुआ है आगे क्या मांग है आप लोगों से? कानून व्यवस्था तो खराब है, जब उन लोगों ने की तो कहा करते एकदम मन जो है बड़े हुए हैं, क्योंकि वो अगर उन्हें डर दहशत होती तो इतनी बड़ी कहानी को अंजाम न देते वो लोग। लड़की की गर्दन तोड़ दी, लड़की की कमर तोड़ दी, लड़की की जीभ काट दी, इससे बड़ा क्या कृत्य होगा। फांसी दो।